नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। इसी बीच मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होने लगी है। ये मांग मणिपुर की 9 कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जोमी काउंसिल संचालन समिति ने की है। उधर मैतई समुदाय के एक संगठन ने केंद्र से कुकी समुदाय से बातचीत न करने की अपील की है। जोमी कुकी संगठन ने राज्य में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच जारी संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में ZCSC ने कहा, मणिपुर में आदिवासियों पर हमलों की मूल वजहों की एनआईए जांच की जाए और सभी घाटी जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया जाए ताकि सेना कानून और व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। इस पत्र में ZCSC ने पीएम को संबोधित करते हुए लिखा, देश के संवेदनशील और रणनीतिक पूर्वी कोने में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपका यानी प्रधानमंत्री का तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक और कानून व्यवस्था की विफलता की वजह से तुरंत अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी हो गया है। ZCSC ने दावा किया कि राज्य भर से सुरक्षा बलों के 5000 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार और लाखों गोला बारूद लूटे गए हैं। ऐसे में कानून और व्यवस्था पर काबू पाने के लिए फिर से सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम को घाटी के सभी जिलों में लागू किया जाए ताकि सेना पूर्ण नियंत्रण ले सके। कमेटी ने पीएम को लिखे पत्र में ये भी आरोप लगाया कि कुकी जोमी आदिवासियों के साथ अन्याय, संस्थागत उपेक्षा और भेदभाव कई दशकों से जारी है। वायरल वीडियो क्लिप जिसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को जगा दिया वो मणिपुर के वर्तमान संघर्ष का एक उदाहरण मात्र है। इस पत्र में 2 कुकी महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के वीडियो का भी जिक्र है। ये घटना 4 मई की है और 19 जुलाई को वायरल हुआ। दूसरी ओर मणिपुर में मैतई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कोकोमी ने मंगलवार को केंद्र से कुकी उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत नहीं करने की अपील की। समिति का दावा है कि राज्य में हिंसा के लिए यही गुट जिम्मेदार है। संस्था ने दावा किया कि कुकी उग्रवादी समूहों में विदेशी सदस्य भी हैं। कोकोमी के संयोजक जितेंद्र निंगोम्बा ने इम्फाल में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मीडिया के सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार बुधवार को कुकी संगठनों के साथ बातचीत करने वाली है। हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। सरकार को किसी भी कुकी समूह के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जिन्होंने पहले सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जितेंद्र ने कहा कि कोकोमी अपनी मांग पर जोर देने के लिए 29 जुलाई को एक रैली आयोजित करेगी कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता है और किसी अलग प्रशासन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर दिल्ली में कोकोमी के प्रवक्ता क अथोबा ने राज्य में और केंद्र सरकार पर मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान 4 दिन में स्थिति काबू में कर ली गई थी, फिर मणिपुर जैसे राज्य में हिंसा पर क्यों नियंत्रण नहीं किया जा सका। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। मणिपुर की आबादी में मैतई लोगों की संख्या लगभग 53% है और इनमें से ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि 40% आदिवासी हैं जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।